प्यारे बच्चों नमस्ते, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने क्या सीखा, क्या आपको याद है? अच्छा, पिछले कक्षा में हमने स्वरों को शुरू होने वाले शब्दों का सीखा। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। आज हम व्यंजनों को शुरू होने वाले शब्दों को सीखेंगे। यह है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 13 होते हैं। व्यंजन में पहला वर्ण क्या है? का। एक कौन सा वर्ण है? का। का से क्या होता है? का से कमल। का से क्या होता है? का से कमल। कमल का अर्थ क्या है? लोटस। कमल मीन्स लोटस। एक कैसे पढ़ते हैं? कमल। का मा ला कमल। कमल मीन्स लोटस। देन अगला शब्द का। का से कबूतर। कबूतर मीन्स पिजियन। का बू ता रा कबूतर। का बा के नीचे क्या है? ऊ की मात्रा। ता रा कबूतर। ये कैसे पढ़ते हैं? कबूतर। कबूतर मीन्स पिजियन। देन अगला शब्द कछुआ। का छू वा कछुआ। कछुआ मीन्स टॉर्टोइस। देन अगला शब्द कलम। का ला मा कलम। ये कैसे पढ़ते हैं? कलम। कलम का अर्थ क्या है? पेन। कलम मीन्स पेन। अगला शब्द क्या है? ककड़ी। का डी ककड़ी। ये कैसे पढ़ते हैं? ककड़ी। ककड़ी मीन्स कुकुम्बर। ककड़ी का अर्थ क्या है? ककड़ी मीन्स कुकुम्बर। नेक्स्ट वन कप। एक किसका चित्र है? कप। का पा कप। ये कैसे पढ़ते हैं? कप। कप का अर्थ क्या है? कप। देन अगला चित्र यह क्या है? बिटर गार्ड। हिंदी में क्या है? करेला। का रे ला करेला। ये कैसे पढ़ते हैं? करेला। करेला मीन्स बिटर गार्ड। अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग्स। कमल लोटस कलम पेन कप कप। वंस अगेन अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग्स। कमल लोटस कलम पेन कप कप। देन का कैसे लिखते हैं? ये देखिए, फर्स्ट यू ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन। Draw a circle like this, then a seeker, ka. ये कौन सा वर्ण है? ka. का। फर्स्ट यू ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन। देन ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस। देन सीकर लाइक दिस।
का, ये कौन सा वर्ण है? का। आज हम क्या सीखा? ये देखिए का, का ये कौन सा वर्ण है? का। का से कमल, का से क्या क्या होता है? का से कबूतर, कछुआ, कलम, ककड़ी, कप, करेला। का से क्या क्या होता है आप बताइए? का से कमल, कबूतर, कछुआ, कलम, ककड़ी, कप, करेला। कमल मीन्स लोटस, कबूतर, पीजियन, कछुआ, टोर्टोइस, कलम, पेन, ककड़ी, कुकुम्बर, कप, कप, करेला, बिटर गार्ड। ये सभी शब्दों को का से शुरू होता है। गृह कार्य होमवर्क, अर्थ पुस्तिका में लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द नोटबुक। गृह कार्य अर्थ पुस्तिका में लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द नोटबुक। अगला कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।